दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईपीएल 2024 की शुरुआत जल्द होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 22 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होने वाली है और आईपीएल 2024 का पहला महामुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। और आईपीएल के इस पहले महामुकाबले में आरसीबी की टीम को हराने के लिए चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इस महाटूर्नामेंट की शुरुआत होने से पहले चेन्नई की टीम को बड़ा झटका लग चुका है। वो चेन्नई के दो तूफानी बल्लेबाज डेवन कॉनवे और शिवम दुबे चोटिल हो गए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की टीम में काफी बड़े और चौंकाने वाले बदलाव कर दिए हैं, जिसने हर किसी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है। और इस दौरान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की ओर से ऐसे ऐसे घातक और खूंखार खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है, जिनके चेन्नई की टीम में शामिल हो जाने से चेन्नई की टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और घातक हो चुकी है, जिसको देखकर बेंगलोर के खेमे में खौफ का माहौल पैदा हो चुका है और उन्हें अभी से चेन्नई के हाथों हार का डर सताने लगा है। तो दोस्तों, आखिरकार चेन्नई की टीम के दो घातक खिलाड़ियों के बाहर हो जाने के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की प्लेइंग 11 में कौन से बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं, जिसको देखकर बेंगलोर की पूरी टीम सदमे में आ चुकी है। और आरसीबी के खिलाफ इस पहले महामुकाबले में क्या रहने वाली चेन्नई की फाइनल प्लेइंग 11, बताएंगे आपको पूरी खबर आज के इस वीडियो में। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा अहम होने वाला है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक शानदार कप्तान मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आईपीएल 2024 का पहला महामुकाबला 22 मार्च को चेन्नई के मैदान पर खेला जाएगा और इस महामुकाबले की शुरुआत रात 8 बजे से होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों ही टीमों के बीच ये महामुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होगा, क्योंकि दोस्तों जब भी इन दोनों ही टीमों का आमना सामना होता है तो फिर मुकाबले में रोमांच अपनी चरम पर देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दोनों ही टीमें आईपीएल की सबसे मजबूत टीमों में से एक मानी जाती है और दोनों ही टीमों के पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद है जो किसी भी वक्त मुकाबले का रुख पलटने का दम रखते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आरसीबी और सीएसके की टीम का आमना सामना होता है तो सभी क्रिकेट फैंस को इसका इंतजार बेसब्री से रहता है। दोस्तों, आपको बता दिया, दोनों ही टीमें 22 मार्च को चेन्नई के चिबोक के मैदान पर आमने सामने होने वाली है। आपको बता दें, इस मैदान पर खेलते हुए चेन्नई की टीम का प्रदर्शन काफी शानदार देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों अभी तक ये दोनों ही टीमें इस मैदान पर 9 बार आमने सामने हो चुकी है, जहाँ चेन्नई की टीम ने 8 मुकाबलों में बाजी मारी है, जबकि बेंगलोर की टीम केवल 1 ही मुकाबले में फतेह हासिल करने में कामयाब हो पाई है। ऐसे में दोस्तों, चेन्नई की टीम एक बार फिर शानदार खेल दिखाती हुई आरसीबी के खिलाफ 10वीं बार जीत हासिल करना चाहेगी। तो वहीं आरसीबी की टीम इस पहले महामुकाबले को जीत कर आईपीएल 2024 का आगाज एक शानदार जीत के साथ करना चाहेगी। ऐसे में दोस्तों, हमें 22 मार्च को इन दोनों ही टीमों के बीच एक बेहद ही कांटेदार मुकाबला देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, आईपीएल की शुरुआत होने से पहले चेन्नई की टीम को बड़ा झटका लगा है। वो चेन्नई के दो खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं, जिसमें से एक तो चेन्नई के शानदार ओपनर बल्लेबाज डेवन कॉनवे हैं, जो कि पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं। आपको बता दें, पिछले सीजन में डेवन कॉनवे ने चेन्नई की ओर से खेलते हुए काफी शानदार प्रदर्शन किया था। वो चेन्नई की टीम को चैंपियन बनाने में अपना अहम योगदान दिया था। तो वही दोस्तों, कॉनवे के अलावा दूसरे बल्लेबाज शिवम दुबे भी चोटिल होने की वजह से शुरुआती कुछ मुकाबलों से बाहर हो चुके हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पहले महामुकाबले के लिए चेन्नई की टीम में बड़े बदलाव करते हुए चेन्नई की टीम की घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर महेंद्र सिंह धोनी ने आरसीबी के खिलाफ इस पहले महामुकाबले के लिए चेन्नई की टीम की प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव किए हैं, वो चेन्नई की ओर से कौन कौन से खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है। दोस्तों, अगर सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो ओपनिंग जोड़ी में महेंद्र सिंह धोनी ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचिन रविंद्र को खेलने का मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, डेवन कॉनवे की गैर मौजूदगी में अब ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचिन रविंद्र ही चेन्नई की टीम की पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दोनों ही बल्लेबाज ओपनिंग बैटल में आकर कितने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई की टीम के काफी तूफानी ओपनर बल्लेबाज है, जो कि ओपनिंग में आकर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और विरोधी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं और अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाते हैं, जिसका नजारा आपने पिछले सीजन में देखा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले सीजन में भी ऋतुराज गायकवाड़ ने काफी शानदार खेल दिखाया था। वो चेन्नई की ओर से कुल 16 मुकाबले खेले थे और उन 16 मुकाबलों की 15 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने 4 अर्धशतक की मदद से 590 रन बनाए थे। ऐसे में दोस्तों, इस बार ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर और भी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो ओपनिंग बैटल में आकर शानदार बल्लेबाजी करे और अपनी टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने का कार्य बड़े ही शानदार अंदाज में करे। वहीं दोस्तों, बात करें दूसरे ओपनर बल्लेबाज रचिन रविंद्र की, तो दोस्तों आपको बता दें, रविंद्र भी T20 फॉर्मेट के काफी खतरनाक और स्फोटक बल्लेबाज है। वो T20 फॉर्मेट में बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र का प्रदर्शन काफी शानदार देखने को मिलता है और ऐसे में दोस्तों, रविंद्र को ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर ओपनिंग बैटल में आकर काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी और चेन्नई की टीम को शानदार शुरुआत दिलानी होगी। दोस्तों, अब अगर बात करें नंबर 3 की, तो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की ओर से नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे को खेलने का मौका दिया है।
क्योंकि दोस्तों अजिंक्य रहाणे का प्रदर्शन पिछले आईपीएल में काफी शानदार रहा था। आपको बता दें रहाणे ने पिछले आईपीएल में कुल 14 मुकाबले खेले थे और इन 14 मुकाबलों की 9 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए रहाणे ने 2 अर्धशतक की मदद से 326 रन बनाए थे, यानी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए रहाणे का प्रदर्शन लाजवाब रहता है, जिसको ध्यान में रखते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की ओर से नंबर 3 पर रहाणे को बल्लेबाजी करने का मौका दिया है। जबकि दोस्तों रहाणे के अलावा नंबर 4 पर खुद महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने को मैदान पर आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं शिवम दुबे चोटिल है और शुरुआती के कुछ मुकाबलों के लिए उन्हें आराम दिया जाएगा, जिस वजह से चेन्नई की ओर से नंबर 4 पर महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी कितने शानदार तूफानी बल्लेबाज है। हालांकि पहले महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई की ओर से निचले क्रम में आकर बल्लेबाजी करते थे, लेकिन आरसीबी के खिलाफ इस पहले मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आने वाले हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि महेंद्र सिंह धोनी नंबर 4 पर आकर किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। जबकि दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के अलावा नंबर 5 पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने डेरिल मिचेल को बल्लेबाजी करने का मौका दिया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से नंबर 5 पर अम्बाती रायडू बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते थे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें पिछले साल चेन्नई को विजेता बनाने के बाद अम्बाती रायडू ने आईपीएल से संन्यास ले लिया था। ऐसे में दोस्तों कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2024 में अम्बाती रायडू की जगह डेरिल मिचेल को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है, क्योंकि दोस्तों डेरिल मिचेल भी मध्य क्रम के काफी खतरनाक और तूफानी बल्लेबाज माने जाते हैं। वो T20 फॉर्मेट में डेरिल मिचेल काफी शानदार और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। ऐसे में दोस्तों इस साल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की ओर से नंबर 5 पर डेरिल मिचेल को खेलने का मौका दिया है, और ऐसे में दोस्तों डेरिल मिचेल भी चाहेंगे कि वो आईपीएल 2024 में शानदार खेल दिखाते हुए चेन्नई की टीम को 6 बार आईपीएल का विजेता बनाने में अपना अहम योगदान दे। जबकि दोस्तों डेरिल मिचेल के अलावा नंबर 6 पर महेंद्र सिंह धोनी ने समीर रिजवी को खेलने का मौका दिया है। दोस्तों आपको बता दें समीर रिजवी भी T20 फॉर्मेट के काफी तूफानी बल्लेबाज माने जाते हैं, और घरेलू क्रिकेट में समीर रिजवी ने अपने बल्ले से जमकर कोहराम मचाया है। जी हां दोस्तों, यूपी की ओर से खेलते हुए समीर रिजवी ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया है और उनके नाम शानदार 2 शतक भी दर्ज है, जिसको देखते हुए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें चेन्नई की ओर से खेलने का मौका दिया है। ऐसे में दोस्तों समीर रिजवी अपनी फॉर्म को जारी रखते हुए इस बार चेन्नई की टीम को विजय बनाने में अपना अहम योगदान देना चाहेंगे। जबकि दोस्तों समीर रिजवी के अलावा नंबर 7 पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को खेलने का मौका दिया है। दोस्तों आपको बता दें पिछले साल जडेजा का प्रदर्शन चेन्नई की ओर से खेलते हुए काफी शानदार देखने को मिला था। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने आईपीएल 2023 के फाइनल मुकाबले को देखा ही होगा, जहां पर चेन्नई की टीम गुजरात के खिलाफ करीब करीब फाइनल मुकाबले को हार चुकी थी, लेकिन दोस्तों जडेजा ने आखिरी 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स को 5वीं बार चैंपियन बनाया था। ऐसे में दोस्तों जडेजा चाहेंगे कि वो एक बार फिर चेन्नई के लिए इस साल भी शानदार खेल दिखाए और गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर चेन्नई की टीम को 6 बार विजेता बनाने में अपना अहम योगदान दे। जबकि दोस्तों जडेजा के अलावा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की ओर से नंबर 8 पर मोइन अली को खेलने का मौका दिया है। दोस्तों आपको बता दें मोइन अली इंग्लैंड के काफी शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जो कि आईपीएल में चेन्नई की ओर से खेलते हैं, और मोइन अली इस समय बांग्लादेश प्रीमियर लीग में धमाल मचा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बीपीएल के 29वें मुकाबले में मोइन अली ने विक्टोरिया की ओर से खेलते हुए मात्र 24 गेंदों में 53 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसके चलते विक्टोरियन की टीम उस मुकाबले में 240 रन बनाने में कामयाब रही थी। उसके बाद अब दूसरी पारी में चैलेंजर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई थी, तब 17वें ओवर में मोइन अली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक लेकर चट्टोग्राम चैलेंजर की टीम को 166 के स्कोर पर समेट दिया। ऐसे में दोस्तों आईपीएल 2024 में भी मोइन अली अपनी खतरनाक गेंदबाजी और बल्लेबाजी से विरोधी टीम के परखंचे उड़ाते हुए दिखाई देने वाले हैं। जबकि दोस्तों मोइन अली के अलावा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की ओर से नंबर 9 पर दीपक चाहर को खेलने का मौका दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दीपक चाहर का प्रदर्शन आईपीएल में काफी शानदार देखने को मिलता है, खासकर दोस्तों बड़े और अहम मुकाबलों में दीपक चाहर किसी भी टीम के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। ऐसे में दोस्तों इस साल एक बार फिर दीपक चाहर अपनी खौफनाक गेंदबाजी से जमकर कोहराम मचाने वाले हैं। जबकि दोस्तों दीपक चाहर के अलावा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की ओर से नंबर 10 पर महेश दीक्षणा को खेलने का मौका दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें महेश दीक्षणा श्रीलंका के काफी कमाल के फिरकी गेंदबाज है, और पिछले साल महेश दीक्षणा ने काफी शानदार गेंदबाजी की थी। आपको बता दें पिछले साल महेश दीक्षणा को चेन्नई की ओर से कुल 9 मुकाबलों में खेलने का मौका मिला था, जहां महेश दीक्षणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 12 विकेट लेने का कारनामा किया था, जिसको देखते हुए एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की ओर से नंबर 10 पर महेश दीक्षणा को खेलने का मौका दिया है। जबकि दोस्तों महेश दीक्षणा के अलावा नंबर 11 पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मथिसा पथराणा को खेलने का मौका दिया है। दोस्तों आपको बता दें पिछले सीजन में पथराणा ने चेन्नई की ओर से खेलते हुए काफी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया था और चेन्नई की ओर से खेलते हुए सबसे अधिक विकेट लेने का कारनामा किया था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पथराणा ने पिछले साल चेन्नई की ओर से कुल 12 मुकाबले खेले थे और 12 मुकाबलों में गेंदबाजी करते हुए पथराणा ने 19 विकेट अपने नाम किए थे। ऐसे में दोस्तों इस साल भी पथराणा अपनी खौफनाक गेंदबाजी से जमकर तांडव मचाने वाले हैं। तो दोस्तों आईपीएल 2024 में आरसीबी के खिलाफ इन 11 भूखे खूंखार शेरों के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है इस साल आईपीएल की ट्रॉफी को कौन सी टीम अपने नाम करेगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।